तो अभी पीछे ही ना एक वीडियो में, जैसे मैं आप बता रहा था, उस पर एक कमेंट आया था, तो वो कह रहे थे कि जो सीधा ट्रक लाइसेंस, सॉरी सीधा जो ट्रक पे ही पे आते हैं, LMI लेके आते हैं भाई, उनको लाइसेंस लेने की लोड नहीं होती। जी ऐसा है नहीं, लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, है ना? जो अगर बाहर से आ रहा है कनाडा, यूएस से बाहर आ रहा है, तो जी, उनको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा तभी चला सकते हैं। वो मैंने वही, इसलिए मैं वही रिप्लाई नहीं किया। मैं कोई बात नहीं, वीडियो आ रही है, हम उसमें क्लियर करेंगे, तो इसलिए मैंने वहां उससे रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ना वीडियो में बताएंगे, ऐसे बहसने का कोई फायदा नहीं है। तो यही तो ठीक है, लेना पड़ेगा, लेकिन तो उसे भी तो GC स्टार्टिंग करना पड़ेगा, राइट? हाँ, पहले उसको कार का लेना पड़ेगा, तो जो वहाँ का लाइसेंस है वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आएगा साथ में, जी वो यहाँ पे सबमिट करेगा, देन दे विल गिव हिम लाइसेंस व्हाटएवर दे हैव, राइट? जी अगर उनको उन्होंने इसको सीधा जी दे दिया, देन ही हैज टू कम फॉर द ट्रक। वही मैं जी क्लियर कर दूं कि G1 देना पड़ेगा, वो करना, G1 तो है ही तो है, देना ही पड़ेगा, लेकिन सभी के लिए जी। उसके बाद फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे आपको G2 के लिए जाना है या G देना है, या सीधा वो आपको G दे देंगे, राइट? जी उसके बाद फिर आप ट्रक। तो एक और बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो इंडिया से आ रहे हैं तो कौन सा लेटर लेके आना होता है, कहाँ से लेके आना होता है? मैं भूल गया हूँ अभी, वो काफी टाइम तो हो गया। RTO ऑफिस से जब लेके आते हैं ना वो जी लाइसेंस, जी देखिए हमको, उनको बोलते हैं कि भैया मुझे एक्सपीरियंस लेटर दे दो, ठीक तो है, वो प्रिंट करके देंगे, स्टैंप लगा के देंगे, तब वो यहाँ जाके एक्सेप्ट होंगे, ओके। तो साथ में लाइसेंस भी चाहिए, राइट? हाँ ठीक है, RTO के पास जाना पड़ेगा, ठीक है।